सुंदरी चिड़िया की बेटी गुड़िया तो अब अकेली ही रह गई थी, क्योंकि उसकी मम्मा को तो एक खतरनाक चील कल रात को ही उठाकर ले गई थी। आज सुंदरी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने पापा से कह रही थी, पापा आपने मुझे कहा था कि आज मेरी मम्मा आ जाएगी, लेकिन अभी तक मेरी मम्मा वापस नहीं आई। आप बताओ ना मुझे, मेरी मम्मा कहाँ पर चली गई हैं? अरे गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा जल्द वापस आ जाएगी, तुम परेशान ना हो। आपकी मम्मा को मैंने पैगाम भेजा हुआ है, वो अपनी माँ का पता लेने के लिए अपने मायके गई हैं। तुम्हारी नानी माँ बहुत बीमार हैं, इसलिए वो वहाँ पर ठहर गई होंगी। लेकिन पापा, मुझे तो अपनी मम्मा के बगैर नींद नहीं आती, मुझे अपनी मम्मा को मिलना है। आप ऐसा करो, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ, मैं भी अपनी मम्मा के साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे गुड़िया बेटी, आप परेशान ना हो, मैंने कहा है कि तुम्हारी मम्मा को मैंने संदेश भेज दिया है, वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। फिर सुंदरी चिड़िया का पति अपनी बेटी गुड़िया को ऐसे बातों बातों में बुलाए जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने इसे बताया कि तुम्हारी मम्मा को खतरनाक कील उठाकर ले गई है, तो उसने रोना शुरू कर देना है। उसे पता था, इसलिए वो अपनी बेटी को बातों बातों में कहीं और बुला रहा था। कभी कहता कि तुम्हारी मम्मा मेके गई हुई है, और कभी कहता कि तुम्हारी मम्मा अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर घूमने गई है। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा के बगैर तो रहती ही नहीं थी। वो अपने पापा को यही कहती कि मुझे अपनी मम्मा को मिलना है, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलें। अरे गुड़िया बेटी, मैं भी तो तुम्हें तुम्हारी मम्मा जैसा ही प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? मैं भी अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करता हूँ, मेरी प्यारी सी बेटी। अब शाम हो चुकी है, तुम ऐसा करो, सो जाओ, सुबह जब होगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले चलूँगा। फिर गुड़िया का पापा उसे ये कहता है। ऐसे बातों बातों में फिर वो सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है, तो गुड़िया का पापा नदी पर पानी पीने के लिए जाने लगता है, और वो अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, अरे गुड़िया बेटी, मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ, आकर मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले चलता हूँ। अच्छा पापा, आप जल्द वापस आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, और मुझे भूख भी बहुत लगी है, मेरे लिए आते वक्त कुछ अच्छा सा भोजन भी ले आना। फिर ये कहते हुए गुड़िया का पापा तो वहाँ से चल पड़ता है, और वो जाकर नदी पर बैठता है। नदी पर तो पहले ही एक हरियाली तोती बैठी हुई थी। हरियाली तोती तो जब गुड़िया के पापा से बात पूछती है, अरे मोनू भाई, मुझे आपकी पत्नी का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। सुंदरी चिड़िया तो मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी, मुझे भी अपनी सहेली के जाने का बहुत दुख हो रहा है। किसवा तो अब हमारा जंगल ऐसे बेचैन हो चुका है, यहाँ पर तो कोई रौनक ही नहीं रही। हाँ हरियाली बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आप सुंदरी चिड़िया तो चली गई है, लेकिन अब मेरी बेटी गुड़िया तो रो जाती है। वो यही कहती है कि मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर चलो, अब तुम ही बताओ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूँ। अरे मोनू भाई, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसे तो गुड़िया हर रोज़ रोती रहेगी, तुम ऐसा करो अपनी बेटी को सच सच बात बता दो, फिर ऐसा होगा कि शुरू शुरू में उसे कुछ तकलीफ तो होगी, लेकिन बाद में उसे आहिस्ता आहिस्ता से सब्र आ जाएगा। तुम्हारी बात हो रैली बहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं उसे बताऊंगा तो वो बिल्कुल अभी छोटी सी बच्ची है, उसने तो ये बात कहीं अपने दिल पर ही ना ले ले, मुझे ये डर लगता है। तो फिर मोनू भाई, हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको एक नई पत्नी करवा देती हूँ। अरे हरियाली बहन, वो कहाँ से करवाओगे तुम मुझे पत्नी? इस जंगल में मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जो कि बिल्कुल विधवा है, उसका तो पति फोत हो चुका है। तुम ऐसा करो, उससे शादी कर लो और उसको अपने घर में ले आओ, फिर जाकर तुम अपनी बेटी को सच सच बात बता देना। आहिस्ता आहिस्ता से तुम्हारी बेटी फिर नई माँ के साथ रहना शुरू कर लेगी, और फिर वो ऐसे ही अपनी पुरानी मम्मा को भूल जाएगी। बात तो तुम्हारी रैली बहन बिल्कुल ठीक है, चलो फिर हम लोग देखते हैं। फिर गुड़िया का पापा और हरियाली तोती वो दोनों तो उस विधवा चिड़िया के पास चले जाते हैं। गुड़िया के पापा की नई शादी हो जाती है। गुड़िया का पापा अपनी नई पत्नी को लेकर वापस अपने घर चला आता है, और घर आकर अपनी बेटी गुड़िया से कहता है। अपनी नई पत्नी को लेकर घर जाता है तो गुड़िया देखते ही अपने पापा से कहती है, अरे पापा, ये आंटी कौन है? अरे बेटी, ये तुम्हारी नई मम्मा है, यही है आज से तुम्हारी माँ।
नहीं, पापा, मेरी माँ तो सुंदरी है, मेरी माँ ये नहीं हो सकती। फिर गुड़िया का पापा अपनी बेटी को सच सच बात बता देता है। अरे बेटी, तुम्हारी माँ को तो कल खतरनाक तीर उठा कर ले गई है, इसलिए अब तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं आएगी। जब गुड़िया ये बात सुनती है तो गुड़िया रोना शुरू कर देती है और वो अपने पापा को कहती है, अरे नहीं, मेरी माँ नहीं मर सकती, आपने ज़रूर मेरी माँ को अपने घर से निकाला होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपने उल्टा किया है, नहीं तो तील मेरी माँ को नहीं उठा कर ले जा सकती। मुझे सच सच बताओ पापा, आपने मेरी माँ के साथ क्या किया है? जब गुड़िया अपने पापा के साथ ये बात कर रही थी तो गुड़िया की नई मम्मा आगे से बोलती है, चुप कर जावे गुड़िया, ज़्यादा बातें ना कर, तुम्हारे पापा ने तुम्हें तो बहुत लाड दिया हुआ है, आवाज़ नीची रखकर बात करो अपने पापा से, नहीं तो दो लगाऊंगी मकान पर, फिर खामोश हो जाओगी तुम। जब गुड़िया अपनी नई मम्मा की ये बात सुनती है तो वो बहुत ही निराश हो जाती है और वो सहमे से ही वहाँ पर चुप कर कर बैठ जाती है। गुड़िया का पापा फिर अपनी बेटी को यही कहता है, अरे बेटी, ये तुम्हारी माँ है, तुमने आज से इनके साथ हम खुशी खुशी में रहना है, तुमने इनको अपनी माँ बनाकर ही ज़िंदगी जीनी है अब। फिर गुड़िया अपने पापा को कहती है, अरे पापा, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मैं ना ही इनको माँ कहूँगी, मुझे तो अपनी मम्मा सुंदरी चिड़िया के पास जाना है और मैं तो वहाँ पर जाकर ही रहूँगी। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वो सब सो जाते हैं, लेकिन गुड़िया तो सोती ही नहीं, गुड़िया को अपनी माँ की बहुत याद आती है, गुड़िया अपनी माँ को याद कर कर रो रही थी। अगले दिन जब सुबह होती है तो गुड़िया का पापा तो भोजन की तलाश में कहीं पर चला जाता है, लेकिन गुड़िया की माँ सोई हुई थी। गुड़िया को भी बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, गुड़िया अब नदी पर पानी पीने को जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ की डर की वजह से नहीं जाती। डरते डरते अपनी माँ को कहती है, अरे आंटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे अब नदी पर पानी पीने जाना है, क्या मैं चली जाऊँ? जब गुड़िया ये बात कहती है तो वो आंटी उठते ही गुड़िया को कहती है, अरे वे गुड़िया, तुम्हें पता नहीं कि मैं सो रही हूँ, तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी है, तुम्हें आज के बाद ऐसा किया तो मैं तुम्हें दो थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पर, जाओ जाकर पानी पियो, मुझसे ना पूछा करो कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ या वहाँ पर। जब गुड़िया ये बात सुनती है तो गुड़िया बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से उड़कर नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। नदी पर वो बैठकर पानी पीती है, फिर वो कुछ देर वहाँ पर ही बैठ जाती है। जब शाम होती है तो गुड़िया का पापा भी वापस अपने घोंसले में चला आता है और गुड़िया की मम्मा अपने पति को सब बात बताती है, देखो सुबह की गई है पानी पीने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, और आज तो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। गुड़िया की नई मम्मा अपने पति को ऐसे ही बातों बातों में गुड़िया के बारे में भड़काई जा रही थी। जब गुड़िया वापस आती है तो गुड़िया का पापा बहुत ही पंप हो चुका था, वो गुड़िया को आते ही कहता है, अरे गुड़िया, आज के बाद तुमने अपनी मम्मा के साथ ऐसे बात की तो मैं तुम्हें दो तीन थप्पड़ लगाऊंगा मुंह पर, और अगर तुम बाज ना आई तो मैं तुम्हें अपने इस घर से भी निकाल दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ पर जाती हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैंने तुम्हें जितना लाड दिया है तुम उतनी ही बिगड़ चुकी हो, पुरानी मम्मा ने तो तुम्हें बहुत ही बिगाड़ दिया है, अब तुम्हें मैं सुधारता हूँ। जब गुड़िया अपने पापा की ये सब बातें सुनती है तो गुड़िया आगे से बोलती ही नहीं, गुड़िया खामोश होकर बैठ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है, वो दोनों तो सो चुके थे लेकिन गुड़िया को आज नींद ही नहीं आती। गुड़िया उनके घोंसले से बाहर निकलकर फिर कहती है, अरे ऊपर वाले, तुम कभी किसी की मम्मा को उससे ना छीनना, ये जो सौतेली माँ होती है ये बहुत दुख देती हैं, अपनी मम्मा तो अपनी ही होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। हम एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें।